जय माता वैष्णो देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के भवन पर बनाए जा रहे स्काई वॉक के बारे में, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर इस बार जो भी भक्त यात्रा करने वाला है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस बार भक्तों को कोई भी भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। भवन पर पहुंचने वाले सभी भक्त इसी स्काई वॉक के भीतर से होते हुए माता की पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे और दर्शन करने के बाद पुराने निकासी रास्ते से बाहर आ जाएं। 15 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र के दिन इस स्काई वॉक को श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाएगा। करीब 300 मीटर लंबाई है स्काई वॉक श्राइन बोर्ड द्वारा 1.5 साल में लगभग 15 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। इस स्काई वॉक के अधिकांश भाग में वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ मजबूत स्टेनलेस स्टील की दीवार बनाई गई है तथा दूसरी ओर शीशे लगाए गए हैं, जिससे भक्तों को माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन निरंतर होते रहे। इस स्काई वॉक के प्रवेश द्वार के लगभग 50 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह से माता वैष्णो देवी गुफा के रूप में बनाया गया। इसके भीतर माता के 9 रूपों की मूर्तियां सुसज्जित की गई हैं तथा मंत्र इत्यादि अंकित किए गए हैं। स्काई वॉक में प्रत्येक 100 मीटर के बाद आपात निकासी द्वार बनाए गए हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में श्रद्धालुओं को तुरंत बाहर निकाला जा सके। प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, कुर्सियाँ तथा बेंच लगाई गई ताकि ज़रूरत पड़ने पर श्रद्धालु स्काई वॉक के अंदर आराम कर सकें। स्काई वॉक के भीतर जगह जगह LED स्क्रीन लगाई गई हैं तथा 360 डिग्री HD कैमरे भी लगाए गए हैं तथा स्काई वॉक में जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। इस स्काई वॉक को बनाने का मुख्य कारण वर्ष 2021 में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि भारी भीड़ उमड़ने के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई सारे श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसी का संज्ञान लेते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया गया था, जो कि अब पूरा हो चुका। तो इस बार अगर आप भी नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको नए स्काई वॉक से होकर के दर्शन करने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिख। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता वैष्णो देवी।